हेलो दोस्तों, मेरा आज भी का साथी हो, मेरा भाई हो, जो इंग्लैंड वैसल में काम करता है रात दिन एक करके, जो तूफान में भी अपना को खुद को संभाल के, जिंदगी को संभाल के जो काम करता है, उनको मेरा सलाम है। उनको मेरा सलाम है क्योंकि मेरा जो इंग्लैंड वैसल का जो साथी है, आप लोग एक बड़े सैनिक है, देश का सैनिक है आप, क्योंकि आपने इतना तूफान में, इतना साइक्लोन में भी आप मर्चेंट भाषल में, मर्चेंट नेवी में आप काम करता है। अब लश्कर में हो, आप वायलर में हो, या आप किस में भी हो, आपका जो ये सार, आप संसार का लिए करते हैं, आप फैमिली का लिए करते हैं, लेकिन आप कंपनी का जहाज संभाल के काम करता है, जो आप जिम्मेदारी के साथ काम करता है। तो दोस्तों, आपका जैसा बड़े सैनिक, जैसा मिलिट्री जाके अपना देश का रक्षा करता है, ऐसा आप खुद का रक्षा करता है, जहाज का रक्षा करता है और फैमिली को भी रक्षा करता है। तो मेरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो साथियों, मेरा जो फर्स्ट क्लास ड्राइवर, सेकंड क्लास ड्राइवर, इंजीनियर, जो अभी एग्जाम देने के लिए जो सर्विस भरा है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, सीफेयर ट्रस्ट जो MMB का तरफ से एग्जाम लेता है, बहुत अच्छा एग्जाम लेता है, मैं तो उनको तारीफ करूंगा, क्योंकि इसका पहले जो एग्जाम लेता था, बहुत दिन बाद होता था हमारा, क्योंकि हमको तजुर्बा ये है कि मैं खुद मुंबई पोर्टर्स का रिटायर इंजीनियर है और हमको 31 साल मुंबई पोर्ट में सर्विस किया है, इसलिए मुझे ये पता है कि एग्जाम होने के लिए कितना, एक एक टाइम तो 5-6 साल का लग गया था, जो एक एग्जाम होने के लिए। फिर बहुत हम लोग BPT का ऑफिसर, जो उनको लेके मीटिंग किया, जो MMB का साथ में, उसको बाद में DGCP का साथ में मीटिंग किया, वो मीटिंग करने के बाद ही हम लोग को फिर ये सर्विस प्रोवाइडर मिला है, और वो सर्विस प्रोवाइडर का तरफ से अभी एग्जाम लेने का शुरू है। तो दोस्तों, जो मेरा फर्स्ट क्लास, कोई भी IB में कोई भी आ जाइए, जो पूरा इंडिया का, जितना भारत का पूरा मेरा साथी है, जो साथी काम करना चाहता है इंग्लैंड वैसल में, तो उनका मैं ये उनको सलाह देता हूँ कि आप इंग्लैंड वैसल में आ जाइए, आप फ्रॉड का चक्कर में मत पड़िए। कोई कोई जगह में IB में काम, इंग्लैंड वैसल का ट्रेनिंग देता है, ये देता है, वो देता है, बहुत है इंडिया में, जहाँ पे आपका पास से ही पैसा लेता है और वही पैसा से आपको पेमेंट का बंदोबस्त करके आपको 2-3 महीना का ट्रेनिंग देता है, और बाद में आपको भेज देता है कौन सा भी कंपनी में, हर कंपनी में भेजने के बाद आपका ही पैसा से वो पेमेंट देते रहता है, 2-3 हज़ार रुपया। लेकिन वो काम करने का बाद भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि वो लोग सर्टिफिकेट नहीं देख सकता, नहीं भी दे सकता, और ना DGCP का अप्रूव है, क्योंकि मैं खुद एक इंस्टीट्यूट को पूछा था कि आप लोग कुछ DGCP का अप्रूव है, आप DGCP से परमिशन लिया है, या तो आप सर्टिफिकेट देगा, जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है, नहीं दे सकता, कभी भी वो नहीं दे सकता सर्टिफिकेट, क्योंकि वो सिर्फ आपको गाइड के लिए लेता है, थोड़ा सा आपको मालूम मत देता है कि आपका तैरना जानता है क्या, नहीं आप कुछ है क्या, ये क्या है, आगे का ऐसा रस्सी बांधने का, आगे का ऐसा ही करने का, ऐसा ये थोड़ा सा हेड किसको बोलता है, स्टर्न किसको बोलता है, जहाज का अपर डेक किसको बोलता है, लोअर डेक किसको बोलता है, इंजन किसको बोलता है, वो इंजन कैसा चलता है, ये सब थोड़ा सा ट्रेनिंग देके आपको कौन सा भी वैसल में, क्योंकि कंपनी लोग का साथ उनको टाई अप है, वो कंपनी के पास से आपको भेज देता है, जो कंपनी आपको पेमेंट देते रहेगा 3,000-4,000 रुपया में, उसको भी लास्ट खलासी मिल जाता है, उसको भी ऑयलर मिल जाता है, वो 3-4 हज़ार रुपया करके आपको पेमेंट देकर दे के फिर आप
काम 3 साल करने का बाद ही फिर आपको एग्जाम देना है। एग्जाम तो आपको देना ही है, आपको आगे जाना है तो आपको एग्जाम देना है, लेकिन वो चक्कर में नहीं जाके आप डायरेक्ट कौन सा भी इनलैंड वेसल में जाइए। मेरा सलाह यह है, मेरा सलाह यह, आप खुद काय को पैसा का बर्बाद करेगा। हमारा देश का जो बेकार है, जो बेकार अभी भी बैठा है, जो पढ़ाई लिखाई करके भटकता है ऑफिस ऑफिस में, उनका लिए मेरा सलाह है, आप इनलैंड वेसल में आइए, खुद कंपनी ढूंढ लीजिए, आपका डायरेक्टर या डायरेक्टर से कंपनी ढूंढ लीजिए, पासपोर्ट बनाइए, नहीं तो जीपी रीडिंग कीजिए, वो करने का बात आप आ जाइए, कौन सा भी कंपनी में जाइए, कंपनी में जाके काम करिए, तो आपको वो जो पिछले जो आपका जो ट्रेनिंग देता था वो आपको बच जाएगा और उतना पैसा भी बच जाएगा और आप इधर सर्विस लेके कौन सा भी एग्जाम दे सकता इनलैंड वेसल का या तो कोस्टल वेसल का। आपका अगर नसीब अच्छा है कोस्टल वेसल में लग गया तो कोस्टल वेसल का एग्जाम दे सकता, जो एकदम नीचे से एग्जाम देते 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 आप चीफ इंजीनियर तक जा सकता है। क्लास 4 दिया, क्लास 3 दिया, पार्ट 1 दिया, पार्ट बी दिया, उसके बाद चीफ इंजीनियर तक आप जा सकता है। तो दोस्तों फिक्र मत कीजिए, आगे आगे बढ़िए, और जो मेरा अभी सर्विस के लिए सर्विस भरा है, जो मेरा दोस्त सर्विस भरा है, उनका लिए इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा जो मुंबई पोर्टर्स में 31 साल का जो तजुर्बा है और उसको पीछे जो मैं आगे जब नौकरी में आया नहीं था तब भी मैं प्राइवेट में ही आप लोगों का जैसा प्राइवेट में सर्विस किया है, सर्विस करके आया, और वो जो मेरा तजुर्बा है और पूरा इंडिया का जहाँ जहाँ MMD था मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट और जहाँ पे एग्जाम होता था वहाँ से मैं क्वेश्चन कलेक्ट करता था, और वो एग्जाम का क्वेश्चन कलेक्शन क्वेश्चन मैं पूरा सीफेयर ट्रस्ट को दे चुका हूँ। मिस्टर चुगानी साहब था तभी, सुब्रत मुखर्जी था, मैं दे चुका हूँ, मेरा क्वेश्चन मैं पूरा दे चुका हूँ, और निशान मास्टर है, मास्टर लोगों के लिए वो भी दे चुका है। तो प्लीज आप जो मैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं देता हूँ, ये क्वेश्चन जो मैं देता हूँ, आप जितना जल्दी हो सके आप कंप्लीट कर लीजिए एग्जाम का पहले, आपका एग्जाम देने का पहले जितना जल्दी हो सके आप कंप्लीट कीजिए। और एक बात है, जो सैंपल क्वेश्चन आप लोगों को मिला होगा वो सैंपल क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट कीजिए, और ये जो मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंप्लीट कीजिए, और मेरा पूरा वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर कहाँ पे भी प्रॉब्लम आए तो मुझे फ़ोन कीजिए, मैं फ़ोन में जितना हो सके मैं आंसर दे दूँगा, व्हाट्सअप कीजिए। हाँ एक काम और करना है आपको, आप अगर पास हो गया हमारे क्वेश्चन में, आपको लगा हमारा क्वेश्चन आपको काम में आया, पास हो गया, तो आप मेरा नेट चार्ज जो है थोड़ा सा मैं बता दूंगा, बात वो दे देना, पास होने के बाद सर्टिफिकेट मिलने के बाद दे देना, एक फ़ोन करना आपसे और दे देना, क्योंकि आपका नेट चार्ज का जो पैसा वो मैं नहीं लूँगा, मैं रहूँ ना रहूँ मेरा ये अनुभव रह जाएगा, इसके लिए मैं शेयर कर रहा है आप लोगों से, नहीं तो चला जाएगा मेरा साथ। मैं इसलिए पैसा लेता हूँ कि आपका ही साथी, आपका ही भाई, आपका ही दोस्त नदी का उस किनारा में खड़ा है एग्जाम देने के लिए, वो लाइन में है, आप पास हो जाएगा तो अगर आप नेट चार्ज दिया तो मैं ये वीडियो फिर आगे का अपलोड कर सकता, आगे का वीडियो, और वो भी वो लोग देखते रहेगा, फिर वो भी पास हो जाएगा, नहीं तो वो वहाँ पर ही रह जाएगा, कि मैं रिटायर पर्सन है, मैं ज़्यादा दिन नहीं उठा सकेगा, खुद का जेब से मैं नहीं उठा सकेगा तो मैं बंद कर डालेगा। तो अगर ये चालू रखना है, ये आप लोगों का ही है, मेरा नहीं है, ये चैनल आप लोगों का ही है, आप इंटरव्यू में जाओगे, आप कौन सा भी एग्जाम में जाओगे, आप पास होने के बाद सर्टिफिकेट लेके कौन सा भी गवर्नमेंट कंसर्न में नौकरी को जाएगा, आपका जब इंटरव्यू लिया जाएगा यही क्वेश्चन आपका काम पे आएगा। तो दोस्तों जो फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर है उनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे चुका है, आज सेकेंड पार्ट मैं दे रहा हूँ उसको, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका जो भाल्व है, भाल्व का कितना प्रकार का भाल्व आता है,
भाल कितना प्रकार का आता है, वाटर पम्प का प्रेशर कितना है, वाटर पम्प का प्रेशर कितना है। दूसरा बात, आप एग्जाम देंगे कौन सा भी एक लैंग्वेज आपको आपको चुनने का लिए हक है, एक ही लैंग्वेज, वहाँ पे इंग्लिश में दिया जाएगा क्वेश्चन। मैं लास्ट टाइम ये बताया है, मेरा क्वेश्चन का जो इसमें था उसमें बताया है, हिंदी में दिया जाएगा और मराठी में दिया जाएगा, कलकत्ता में होगा तो बंगाली में दिया जाएगा। ऐसा जहाँ पे एग्जाम होगा वहाँ का लोकल जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज का एक रीजनल लैंग्वेज का एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन हिंदी में रहेगा और एक क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा। तो आपको जैसा चुनना है वैसा एक क्वेश्चन आप चुनिएगा। तो वाटर पम्प का प्रेशर कितना है, कौन सा वाल ज़्यादा यूज होता है, एक फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर, फर्स्ट क्लास मोटर इंजन ड्राइवर जिनका सर्टिफिकेट मिलने वाला है, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज फर्स्ट क्लास मोटर इंजन ड्राइवर जिनका PHP वैलिडिटी है 565, ब्रेक हॉर्स पावर चला सकता है अप टू 565 ब्रेक हॉर्स पावर का जो इंजन है वहाँ पे वो इंचार्ज में काम करेगा। तेल में आग लगी, तेल में आग नहीं लगने का लिए, नहीं लगने का है तो आप क्या क्या करते हैं, तेल में आग नहीं लगने के लिए आप क्या क्या करते हैं, बंकरिंग सेफ्टी क्या है, बंकरिंग सेफ्टी क्या है, ऑयल स्पिल क्या है, ऑयल स्पिल क्या है, कैसे होता है ऑयल स्पिल, और ऑयल स्पिल हो गया तो आप क्या करेंगे, ऑयल स्पिल हो गया तो आप क्या करेंगे, बैलेस्ट टैंक में क्या रहता है, बैलेस्ट टैंक में क्या रहता है, कब बैलेस्ट और डी बैलेस्ट करता है, आप कब बैलेस्ट और डी बैलेस्ट करता है, कहाँ डी बैलेस्ट करता है, आप कहाँ डी बैलेस्ट करता है, फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर के लिए। लूब ऑयल व ग्रीस, लूब ऑयल व ग्रीस का क्या जरूरत है, लूब ऑयल व ग्रीस का क्या जरूरत है, और कहाँ देता है, कहाँ आप कहाँ ग्रीस देता है, शाम में ग्रीस देगा आपका, शाम जो इंजन का जहाँ पे क्रैंकशाफ्ट है वहाँ पे ग्रीस दे देगा तो चलेगा या नहीं चलेगा और क्यों नहीं चलेगा, लूब ऑयल डालेगा नहीं, लूब ऑयल की जगह पर ग्रीस दे दिया, चलेगा क्या नहीं चलेगा, लूब ऑयल कूलिंग कितना प्रकार से होता है, लूब ऑयल कूलिंग कितना लूब ऑयल कूलिंग कितना प्रकार से होता है, उसमें तुम्हारे इंजन में कैसा होता है, तुम्हारा जो इंजन है उसमें वो कैसा लूब ऑयल का कूलिंग होता है, कौन सा प्रकार का कूलिंग तुम्हारे इंजन में होता है, कब ऑयल चेंज करता है, आप कब ऑयल चेंज करता है, कितना ऑयल लगता है आपका इंजन के लिए, कितना ऑयल लगता है आपका जानना जरूरी है ये सब क्वेश्चन, क्योंकि आप खुद ऑयल चेंज करता है और एग्जामिनर आपको इसके लिए पूछेगा, क्योंकि आप हाथ से काम करता है या नहीं, आपको जानकारी है क्या नहीं उसके लिए नहीं, आप हाथ से काम करता है या तो आप जाके कुछ भी थोड़ा ऑयल चेंज करने का होस पाइप फट गया वो जाके लेके जाके इधर जा कोई मैकेनिक बुलाता है बाहर से। एक केजी ऑयल व एक केजी ग्रीस, एक केजी ऑयल व एक केजी ग्रीस कौन सा ज़्यादा है, एक केजी ऑयल व एक केजी ग्रीस कौन सा ज़्यादा है, इंजन का लूब ऑयल प्रेशर कितना है, कितना प्रकार तक चलाएगा, कितना प्रेशर तक आप चलाएगा, कितना प्रेशर रहेगा तो आप चलाएगा, प्रेशर कितना है, प्रेशर डाउन होता है, कितना प्रेशर रहेगा तभी आप चलाएगा बाद में आप बंद करेगा, ट्रिपिंग प्रेशर कितना है, प्रेशर क्यों कम होता है, क्यों लूब ऑयल प्रेशर बढ़ता है, काला नीला सफ़ेद धुआं क्यों निकलता है, लूब ऑयल फिल्टर कब आप बदली करता है, लूब ऑयल फिल्टर धो के क्यों नगल लगाता है, अभी धो लिया स्प्रे से अच्छा स्प्रे करके धो लिया, धो के क्यों नहीं लगाता है, लूब ऑयल कम होता है क्यों, और आप क्या करोगे, लूब ऑयल कम होता है क्यों और आप क्या करेगा,
इंटरनल कम्बसन व एक्सटर्नल कम्बसन दोनों क्या चीज़ है? इंटरनल कम्बसन व एक्सटर्नल कम्बसन ये दोनों क्या चीज़ है? इंटरनल कम्बसन कौन सा इंजन आता है? इंटरनल कम्बसन कौन सा इंजन आता है और एक्सटर्नल कम्बसन में कौन सा इंजन आता है? स्ट्रोक क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या है? गियर क्यों देता है? आरपीएम क्या है? कितना टाइप का आता है जो गियर है वो कितना टाइप का गियर आता है? मैं लास्ट टाइम में गियर का वीडियो बनाया था, वीडियो आप लोग को दे चुका हूँ। आपका ये सब क्वेश्चन का आंसर मेरा वीडियो में मिलेगा। अगर जो नहीं मिलेगा, आपको कुछ डाउट पड़ता है तो वो आपको हमको फ़ोन करना 9819631432 में, वो हमारा जितना हो सके मैं जवाब देने का कोशिश करेगा। स्पीड को कौन कंट्रोल करता है? जो स्पीड है इंजन का, जो स्पीड है, स्पीड को कौन कंट्रोल करता है? स्पीड को कैसा कंट्रोल किया जाता है? फ्यूल ऑयल पम्प का क्या काम है? कैसे काम करता है फ्यूल ऑयल पम्प? कैसा काम करता है? फोर स्ट्रोक डीजल इंजन कैसा चलता है? फोर स्ट्रोक डीजल इंजन कैसा चलता है और टू स्ट्रोक डीजल इंजन कैसा चलता है? वाटर कूलिंग कैसा होता है? एयर व बैटरी में स्टार्ट करो, एयर में और बैटरी में कौन सा भी आपका इंजन जिसमें स्टार्ट होता है, एयर में स्टार्ट कर सकता है आपका अगर इंजन एयर में स्टार्ट होता है तो, या तो बैटरी में स्टार्ट कर सकता है, स्टार्ट करो। एग्जस्ट का सेफ्टी क्या है? एग्जस्ट का सेफ्टी क्या है? हेड में क्या क्या है? हेड के ऊपर में क्या क्या है? टर्बो चार्जर का और नाम बताओ। टर्बो चार्जर है उसका और नाम क्या है? और नाम बताओ। टर्बो चार्जर कैसे काम करता है? चालू इंजन में आपका ड्यूटी क्या है बताओ? हेड और स्टर्न हमेशा होता है। जो लॉन्च वाला तो जिन जो जो मेरा लॉन्च का साथी है जो हाईवी में काम करता है उनको तो अच्छा तरीके से मालूम है। हेड और स्टर्न क्यों करना पड़ता है? गेट ऑफ इंडिया में लॉन्ग साइड करने का है जो हेड स्टर्न क्यों करना पड़ता है? वो क्यों करना पड़ता है? छोटा इंजन है स्टार्ट करो। फ्यूल कहाँ इंजेक्शन करता है? जो फ्यूल इंजेक्शन होता है वो कहाँ इंजेक्शन, फ्यूल कहाँ इंजेक्शन करता है? ब्रिज टू इंजन रूम जानकारी के लिए क्या क्या है? ब्रिज टू इंजन रूम जानकारी के लिए क्या क्या है? अभी ब्रिज में क्या क्या है, इंजन रूम में क्या क्या है, तो वो आपका जानकारी हो जाएगा जो जानकारी के लिए क्या क्या है। तो दोस्तों आज वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करते, इसका आगे का जो वीडियो में थर्ड पार्ट में दे देगा तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करते रहिए। जितना जल्दी हो सके ये क्वेश्चन का आंसर आप यूट्यूब से, मेरा यूट्यूब चैनल का अंदर में पूरा क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन ढूंढ के आप कंप्लीट कीजिए और कंप्लीट करने का बाद आप सैम्पल क्वेश्चन भी कंप्लीट कीजिए, ये भी कंप्लीट कीजिए। करने का बाद आपको फेल कोई नहीं करा सकता, कोई नहीं। कौन सा भी सर्वे आना दो, कौन सा भी आपका एग्जामिनर आना दो, वो आपको फेल नहीं करा सकेगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। इसका अंदर से ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसका अंदर से ही आएगा। तो दोस्तों कोई भी सर्वेयर हो, हम चाहते हैं कि हमारा एक भी मेरा दोस्त पूरा इंडिया में जहाँ पे एग्जाम हो, एक भी मेरा दोस्त डरेगा नहीं एग्जाम का लिए, क्योंकि वो डट से जाएगा और पास होके ही आएगा। क्योंकि ये सैनिक है आप लोग, आप घबरेगा नहीं, ये मेरा वादा है। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।